संक्षेप में सबों को हमारा नमस्कार आदि करना है। साथ ही युवा मंडल की गतिविधियाँ सहरसा उप जोन में बहुत दिनों से चल रहा है। 2009 में ही जेपी असाकी जी जो पूर्व कुलपति रहे थे अपने यूनिवर्सिटी के और आदरणीय मुख्य असलाम जी के बेगूसराय में ये कार्यशाला को बड़ा कार्यशाला हुआ था। साथ ही कई कार्यशालाएं बेगूसराय में भी चल रहे हैं, सहरसा में भी चल रहा है। सहरसा में नियमित गोष्ठी युवाओं के लिए नशा उन्मूलन के संबंध में योग और कई चीजें वहाँ नियमित चल रहा है। उसके बाद बेगूसराय में भी ये सारी चीजें चल रही है। इसका आंदोलन है कि बुरी फिल्म में हमारे सिनेमा हॉल बना जाता है, इसके लिए सिनेमा हॉल के आगे जाकर के पहले उसे प्रिंस से मिलना और मिलने के बाद ना बने तो फिर वहाँ जाकर विरोध करना। तो ये चीजें हमारे यहाँ अच्छी तरीके से चल रहा है। और अगर कोई फिल्में लगाते हैं तो हमें सूचना देते हैं कि फिल्में पोस्टर नहीं भर की लाए, बार बार ऐसा कुछ नहीं है, फिर हमको पास करते तो फिल्म लगता है। तो एक ये बातें हैं, नशा उन्मूलन के लिए हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। बार बार मोबाइल पे प्रोजेक्टर निकल गया, प्रोजेक्टर वाले उस मोबाइल से हम बच्चों में दिखाते हैं जो अपने गाल जो खुला हुआ सूचा हुआ चेहरा ये सब दिखाते हैं, बच्चे भयभीत होते डरते हैं। बच्चों को हम ये कहते हैं कि बच्चे सीखते हैं सिर्फ पढ़ाई, जो पढ़ाई जो सिखाएगा वही सीखते हैं, बच्चे वो भी सीखते हैं जो अलग अलग वो देखते हैं। तो सूर्ति खाते बड़े बड़े लोगों को देखते हैं और बच्चों को लगता है शायद वादा से जिनका काम में आदर्श होगा। तो ये भटकाव में बच्चे ला रहे हैं, इसके लिए विद्यालय में शिक्षकों में अपनी कमियां हैं, उन कमियों को पता करके विद्यालय में जाके इसको दूर करना। और गंगा सफाई अभियान जो सिमरिया था उसके सीमा में आता है, चूंकि हिंदी में सीमा और इंग्लिश में एरिया होते हैं, वो एरिया है तो सिमरिया उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे गंगा सफाई अभियान भी हम लोग वहाँ चलाए हैं। और नर्मदा वाटिका के भी कई जगह बात हमारी हुई है, लेकिन अभी आरोप कभी दुबे जिस तरह की बातें हुई उन्होंने कहा इससे अच्छा पंचवटी लगाए, तो हमने उसको बदला है, पंचवटी हम लगाएंगे वहाँ पर। और बहुत सारी कई बातें हैं, लेकिन इसकी क्षमा फिर मौका मिलता है तो बात करें।